हाय गाइस, मेरा नाम है दिव्य शर्वाल। आप देख रहे हैं टेक्नो रूट का एक और फ्लैश एपिसोड। आज हम इस एपिसोड में टॉप मोबाइल्स अंडर 15,000 के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी लिस्ट में पहला मोबाइल है Honor 9 Lite, 4GB रैम विद 64GB इंटरनल मेमोरी और इसकी प्राइस है 15,000 रुपीज। इसका एक और वेरियंट है 32GB इंटरनल मेमोरी विद 3GB रैम, उसका प्राइस है 11,000 रुपीज़। इसमें जो प्रोसेसर है वो क्रीन का 659 प्रोसेसर है। ये हॉनर का खुद का बिल्डअप किया हुआ प्रोसेसर है और इसकी दो खासियत हैं, एक ड्यूल कैमरास और दूसरा इसके 18:9 डिस्प्ले। ड्यूल कैमरास का मतलब रियर में भी ड्यूल कैमरास, फ्रंट में भी ड्यूल कैमरास। 13+2 मेगापिक्सल के हैं, दोनों ही 2.0 अपर्चर पे बेस्ड है। इसमें एक और खासियत बात यह है कि इसमें 2.5D कर्व ग्लास है, बैक से भी प्योर ग्लास है, तो आप जब कभी बैक को सनशाइन में लेके जाएंगे तो आपको पूरा फोटो एकदम क्लियर दिखेगा, और फ्रंट में भी इसमें 2.5D कर्व ग्लास है। दूसरी बात, इसमें 5.65 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है। बाकी सारे फोनों में नॉर्मली फुल HD डिस्प्ले मिलती है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे फीचर सपोर्ट करता है, OTG कॉम्पैटिबल है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है इसमें। पर इसमें एक इशू है ये कि 4GB रैम के साथ आप कोई या तो एक दो सिम या सिर्फ एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ओके, इसमें एंड्रॉइड का ओरियो मिलेगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स और इसमें अवेलेबल कर सकते हैं अपना स्टोरेज 256GB तक। इसमें सारी नॉर्मल सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं, सारे ब्लूटूथ, USB टेथरिंग, वाई फाई हॉटस्पॉट, लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन, GPS सपोर्ट करता है, सारे सेंसर्स हैं इसमें, प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कंपास, ग्रेविटी सेंसर, फोन स्टेटस इंडिकेटर। जब कभी आपके फ़ोन पे कोई WhatsApp का मैसेज या नोटिफिकेशन या कोई कॉल या मिस कॉल का नोटिफिकेशन आएगा तो एक LED लाइट आपके फ़ोन के ऊपर ब्लिंक करेगी। तो चलिए हम हमारे दूसरे फ़ोन के पास चलते हैं, MI A1। ये हमारी लिस्ट का सेकेंड फ़ोन है, ये MI के थ्रू ब्रांडिंग किया हुआ है। इसकी खास बात यह है कि ये स्टॉक एंड्रॉयड बेस्ड है। जो Honor का 9 Lite है वो EMIUI 8.0 बेस्ड है, ये स्टॉक एंड्रॉयड है। गूगल का खुद का बनाया हुआ प्रोग्राम है एंड्रॉयड 1 के नाम से, जो ये सिर्फ स्पेशली MI का इकलौता ये फ़ोन है MI A1 जो स्टॉक एंड्रॉयड बेस्ड है। इसमें 4GB रैम है, 64GB इंटरनल मेमोरी है, एक्सपेंडेबल 128GB है, 12+12 के रियर कैमराज हैं, फ्रंट का 5 कैमरा है, रियर में फ्लैश है पर फ्रंट में नहीं है, 3000 mAh की बैटरी है, 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 625। इसका प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है, गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ओके, एंड्रॉयड नॉगेट इसमें प्रोवाइड होता है, अभी रिसेंटली इसमें ऑरियो का अपडेट आ चुका है। ओके, हाइब्रिड स्लिम स्लॉट है इसका, वही 1 SIM 1 मेमोरी कार्ड या फिर 2 SIM, OTG कॉम्पैटिबल करता है, फुल HD डिस्प्ले है, 2.5D कर्व ग्लास इसमें आगे की तरफ है। ओके, F2.2 पे सब 12 मेगापिक्सल का एक लेंस बेस्ड है और 2.6 पे दूसरा लेंस बेस्ड है, फ्रंट 2.0 पे बेस्ड है, 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, 401 PPI है, इसमें सेंसर सारे सेम है, फिंगरप्रिंट सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, हॉल सेंसर, टाइप सी सपोर्ट करता है और रिसेंटली इसमें ऑरियो का अपडेट आ चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे फोन के पास, Honor 7X विद 4GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी। इसकी प्राइस 13,000 रुपीज़ है, ये अमेजोन एक्सक्लूसिव है। इसमें 5.93 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, वो भी 18:9 के साथ। ये भी Honor का फ़ोन है, इसका प्राइस थोड़ा कम है और ये थोड़ा पहले लॉन्च हुआ था इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा अपडेट्स नहीं है नए। कैमरा के मामले में 16+2 डुअल कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ओके, और इसमें 32GB इंटरनल मेमोरी है, 4GB रैम है, क्रीन का सेम 659 प्रोसेसर है जो कि Honor 9 Lite में है, और बाकी इसके 3340 mAh की लिथियम आयन बैटरी है। बाकी इसमें सारे नॉर्मल सेंसर अवेलेबल हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, मैक्सी और व्यू, 18:1 ऑनर फुल व्यू डिस्प्ले, 16 MP ड्यूल लेंस नहीं, 16+2 ड्यूल लेंस है, और इसमें आप देख सकते हैं फुल HD प्लस 2160x2180 डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेशियो कितना होता है किसी को समझ में नहीं आया तो इसको देख सकते हैं, PDF पोर्ट्रेट मोड है, ड्यूल लेंस कैमरा सपोर्ट करता है, वाई फाई ब्रिज, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, 4GB रैम है, 32GB इंटरनल मेमोरी, मेटल ग्लास है, 2.5D कर्व ग्लास है, GPS, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ईमेल, 160 ग्राम। फोन थोड़ा सा वेटेड है पर इतना फील नहीं होगा आपको, बाकी सारे फोनों के मुकाबले में कम ही फील होगा। अब हम चलते हैं हमारे चौथे फोन के पास, मोटो का G5S Plus। ये 15,000 रुपीज़ का है और ये 64GB विथ 4GB रैम, ये भी स्टॉक एंड्रॉयड पे बेस्ड है जैसा कि MI A1 है, और ये फुल HD डिस्प्ले है इसकी, स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर है। इसकी भी मेन खासियत इसका स्टॉक एंड्रॉयड और दूसरा इसका प्रोसेसर, बाकी इसमें 3000 mAh बैटरी है, और यहाँ पे एक और एडवांटेज मिलता है कि ये
15 वॉट का टर्बो चार्ज है, यानी कि आप इसे इक्वल है फास्ट चार्ज के। ओके, और इसमें जो 13+13 ड्यूल कैमरा है वो f/2.0 अपर्चर पे बेस्ड है, जो कि ड्यूल LED फ्लैश है। भी फ्रंट कैमरा है वो भी फ्लैश के साथ। बाकी इसमें जो मोर और डिटेल्स प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं ये हैं, आपको इसमें सारे लगभग सारे सेंसर मिल जाएंगे, ड्यूल सिम, GPS, म्यूजिक प्लेयर, प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, सेंसर हब, और इसमें भी स्टॉक एंड्रॉइड पे बेस्ड है, तो गूगल इस पर टाइम टू टाइम वर्क करता रहेगा, इसके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें ओरियो भी आ जाएगा, इसका लार्जर व्यू डिस्प्ले, इसका पावर प्ले, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बेस्ट मोड, प्रोफेशनल मोड, ब्यूटिफिकेशन मोड, और इंस्टेंट सीन चेंज कर सकता है। कैमरा में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ अमेजोन एक्सक्लूसिव है। मैंने आपको चार ऑप्शंस बताए हैं। पहला है हॉनर का 9 लाइट, ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, और जो इसकी नेक्स्ट सेल है वो 6 फेब को लगेगी at 12 noon, दिन में 12 बजे। दूसरा हमारा फोन है, उसका नाम है MI A1, ये भी फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, ये और कहीं नहीं मिलता, और रिसेंटली इसकी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, 13,000 रुपीज़ हो जाएगी, तब खरीदा तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जिसको जल्दी है वो 14,000 रुपीज़ में भी खरीद सकता है। हॉनर 7X तीसरा फ़ोन है, ये अमेजोन एक्सक्लूसिव है, और ये चौथा फ़ोन है मोटो G5S Plus, ये 64 GB। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपको जो भी कोई डाउट्स है कमेंट में जरूर पूछ लें, कमेंट करके बताएं मेरे को आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आप ये इस कमेंट में ये भी डाल सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो किस बारे में चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक यू।